और भाई यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रदीप यादव निरहुआ के नाम से, उसका क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, मैं जानता भी नहीं हूँ कि किस तरीके से क्या हो गया नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे। जो मुझे देखते थे और मुझे जो दुलार प्यार देते थे उन और उन लोग के पास ही नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। पता नहीं क्यों, मैं रास्ते से जा रहा था, एक भाई बोला कि भाई तो इसमें वीडियो नहीं भेज रहा है, पता नहीं क्या हुआ तुमको। मैं बोला भाई यार वीडियो तो भेज रहा हूँ, ये डेली भेज रहा हूँ, एक दिन के बाद ही भेजता हूँ, जैसा मेरा मतलब वीडियो रहे उस हिसाब से मतलब मैं भेजता हूँ, एक दिन के बाद डेली डेली भी भेजता हूँ। तो बोला कि यार तू भी बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है यार, फिर क्या हुआ तुमको। मैं बोला भाई यार वीडियो तो भेजता हूँ पर जाता नहीं है क्या। तो बोला कि नहीं आ रहा। और एक लोग भाई फिर आया, बोला कि प्रदीप भाई वीडियो नहीं भेज रहा है इस समय, क्या हुआ आपको। मैं बोला भाई यार वीडियो भेजता हूँ, पता नहीं क्या हुआ। तो बोलता कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा मेरे चैनल पर। तो मैं बोला कि यार भाई हम वीडियो तो डेली भेजते हैं पर क्यों नहीं जा रहा। तो बोलता है कि नहीं आ रहा। ऐसे कमेंट भी आने लगा कि भाई प्रदीप भाई इसमें वीडियो नहीं भेज रहा है, क्या हुआ। तो मैं बोला कि यार हम वीडियो भेजते हैं, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों कंपनी वाले। तो बोला कि कंपनी वाले कोई मतलब कुछ किया। तो मैंने बोला कि हाँ यार हमको भी लग रहा है, इतना मेहनत भी करते हैं। तो बोला कि हाँ यार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा करता है। तो मैंने बोला कि हाँ यार रात में 2-3 बजे तक मैं जागता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद में सुबह होते ही आपके पास भेजता हूँ वीडियो। तो बोला यार बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, फिर नहीं जा रहा। हाँ भाई हमारा चैनल का जो क्या कहते हैं वीडियो है, खोल कर देख लीजिए कितना व्यूज गया है, 50, 60, 70, कोई 70 गया, कोई 80 गया है, कोई 90 गया है, ऐसे गया है व्यूज मेरा। उसके बाद में जो भारी मेला और बाढ़ का वीडियो देख लीजिए, वो गया अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा गया है। और जब उसके बाद में बांसी का मेला जब लगा है तो उसमें कमेंट आया था कि भाई थोड़ा अपने भाषा में बोलो और सुनाओ कैसा बोलते हो, कैसा क्या है। बस एक बाजार का और 2-3 मेले का मैंने अपने भाषा में वीडियो बनाया था, उसके बाद में नहीं बनाया था। फिर उसके बाद व्यूज कम जाने लगा, पता नहीं क्या हुआ, बहुत कम ही व्यूज जाने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब सही हो जाएगा। बस उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, कंपनी वाले भाई मेरा जो चैनल का नोटिफिकेशन जाता था वो भी बंद कर दिया। पता नहीं क्यों यार, क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, यूट्यूब चलाएं कि बंद कर दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इतना मेहनत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, घर पे इतना काम रहता है, घर का काम छोड़कर हम वीडियो बनाते हैं, कसम से बता रहे हैं भाई। हमारे पास 25-26 गाय हैं और उसके बाद में उनका मतलब हम थोड़ा काम वम करके उसके बाद में हम वीडियो पर लग जाते हैं, जो मेरे दिल में रहता है वही वीडियो बनाने लगते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉग वगैरह सब कुछ आप लोग देखते हैं कैसा बनाता हूँ। और उसके बाद में फिर गायों का फिर काम रहता है, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो भाई। हमारा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल वाले भाई ने मेरा नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा यार, पता नहीं क्या हुआ। और हाथ जोड़ के निवेदन है भाई आप लोग से कि कंपनी वाले जो भाई हैं उनके पास तक शेयर कर भेजिए भाई, और कहिए कि वीडियो का नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेज रहे हो भाई, आप लोग करा दीजिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, करा दीजिए प्लीज़। करीबन 2-3 महीने से ऐसा हुआ है मेरा व्यूज, देख लीजिए आप खोल करके मेरा यूट्यूब चैनल, देखिए कितना कम व्यूज जाने लगा है। देखिए कल का एक वीडियो डाला हूँ मैंने, देख लीजिए उस पर 13 व्यूज गया है। यहाँ इतना दुलार प्यार मुझे देते थे भाई लोग, बहुत ज़्यादा ही देते थे भाई, और इस समय ऐसा आ गया कि मेरा जो यूट्यूब चैनल देखें नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं, तो कैसे मेरा जो चाहने वाले भाई लोग हैं कैसे देखें, मुझे कैसे दुलार प्यार दें, आप ही लोग बता सकते हैं। और इसको भाई शेयर कीजिए प्लीज़ यार, आप लोग शेयर कीजिए इसको और वहाँ तक पहुँचा दीजिए जो यूट्यूब के मालिक हैं कि आप क्यों नहीं इसका क्या कहते हैं नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। प्लीज़ यार भाई करा दीजिए प्लीज़।